हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल अधिकारी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप जो है मनोज दे से अपने चैनल को प्रमोट करा सकते हो, या फिर कैसे आप अपने चैनल को ग्रो करा सकते हो और बहुत अच्छे खासे व्यूज़ अपने वीडियोस पे ले सकते हो और अपने चैनल को ग्रो करा सकते हो मनोज दे के बदौलत। अब ये कैसे होगा वही आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और विथ प्रूफ के साथ बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक को यहाँ पर यूज कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका चैनल जो है पक्का ग्रो होगा, 100% ग्रो होगा और आपके चैनल पर आपके वीडियोज़ पर व्यू भी आएंगे। और विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ, 3-4 मिनट की वीडियो होने वाली है, एंड तक देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि इस ट्रिक को अपना के बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं अभी उनके चैनल जो है ग्रो हो रहा है और उनके वीडियोस पे बहुत अच्छे खासे यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो होने वाली है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आप मनोज दे का नाम यूज करके या फिर मनोज दे कैसे आपके चैनल को प्रमोट करेगा। फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा कि मनोज दे यहाँ पर आपके चैनल को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा, कि आपके चैनल आपने बोला और वो आपके चैनल को प्रमोट कर देगा। पर फ्रेंड, यहाँ पर आप खुद मनोज दे का नाम यूज करके फिर मनोज देकर थोड़ा हेल्प लेके अपने चैनल पर अच्छे खासे व्यूज़ और चैनल को ग्रो करा सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर का नाम बता दूंगा जो अभी मनोज दे के ऊपर जिन्होंने वीडियो बनाई, रोस्ट वीडियो बनाई, या फिर मनोज दे ने जिनको थोड़ा हेल्प किया और वो अभी बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर लिए हुए हैं और बहुत अच्छे खासे व्यूज़ उनके चैनल पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हिमाचल वाला ब्लॉग को देखोगे, आपको पता होगा, तो आपको पता होगा मनोज दे ने उसके ब्लॉग चैनल को यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था और आज उनके चैनल पे जो है करीबन 4 लाख+ सब्सक्राइबर और बहुत अच्छी खासी उनकी अर्निंग है। और अगर टैक्स से रिलेटेड बात करें तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मंगेश कुमार, जिसके करीबन 65K यहाँ पे सब्सक्राइबर है, उसने भी मनोज दे के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि मनोज दे फेक है, रोस्ट टाइप एक वीडियो बनाया था और उस पर जो है अच्छे खासे व्यूज़ आने शुरू हो गए थे उस वीडियो के बाद। उस वीडियो पे वो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद जितने भी वीडियोस बनाए तो जो मंगेश कुमार यूट्यूब चैनल है वो फिर वहाँ से ग्रो, उसकी स्पीड जो है बढ़ गई थी। अब फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा मिस्टर आदित्य टैक, जिसका यूट्यूब चैनल है, उसने भी मनोज दे के ऊपर एक वीडियो बनाए थे मनोज दे, उसके बाद उस वीडियो पे करीबन उसके अभी जो हैं यहाँ पे 14K या फिर 14K नहीं होगा 40K यहाँ पे व्यूज़ हैं। उस वीडियो के बाद जो है मिस्टर आदित्य टैक उसका चैनल भी अब बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, अभी 25 या 26K+ सब्सक्राइबर उसके चैनल पे है। अब फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दी, ये कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने जो है मनोज दे के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया, कुछ उनके ऊपर वीडियोस बना के जो है अच्छे खासे व्यूज़ ले लिए। अब ये कैसे होता है फ्रेंड्स, आखिर मनोज दे का नाम लेके या फिर उसके टैग यूज करके, हैशटैग यूज करके, टाइटल यूज करके कैसे व्यूज़ आते हैं, तो यहाँ पे ये आपको बताने वाला हूँ और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप यकीन मानिए हफ्ते में 1 या 2 वीडियो अगर आप मनोज दे के ऊपर बनाते हो या उनका टाइटल हैशटैग यूज करते तो आपके वीडियोस जो वायरल होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो है अगर वीडियोस बनाते तो मनोज दे के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हो तो वहाँ पे आपको जैसे कि मनोज दे की फर्स्ट अर्निंग, मनोज दे अगर आप देखोगे वहाँ पे 1 मिलियन+ सब्सक्राइबर हैं। फ्रेंड्स, एक टैग चैनल 1 मिलियन+ सब्सक्राइबर, और अगर अर्निंग की बात करोगे मनोज दे की यहाँ पे अर्निंग, तो करीबन अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें बताया गया था कि 5 से 6 लाख पर मंथ जो है मनोज दे यहाँ पे अर्न करता है। तो फ्रेंड, यही चीज़ आपने करना है मनोज दे की, जो भी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे मनोज दे नाम से, जितने भी वहाँ पे कीवर्ड आते हैं जैसे मनोज दे की अर्निंग, मनोज दे की गर्लफ्रेंड, अगर आप मनोज दे गर्लफ्रेंड के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, मनोज दे की ये गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड है। उसके बाद अगर मनोज दे के ब्लॉग चैनल पर जाओगे उस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, और मनोज दे के जो फर्स्ट कार, फर्स्ट वीडियो, इतने सारे वीडियोज़ आपको मनोज दे के ऊपर देखने को मिलेंगे, या फिर हैश
हैशटैग देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। क्यों फ्रेंड्स? आखिर इसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि 1 मिलियन प्लस मनोज के सब्सक्राइबर है और अभी यूट्यूब पे मानो या ना मानो टेक चैनल पे बहुत अच्छा एक उनका नाम या फिर एक ब्रांड मनोज दे जो है बन चुका है। अगर मनोज दे एक वीडियो अपलोड करता है कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करें तो एक ही दिन में 1 लाख से ऊपर उस वीडियोस पे व्यू आ जाते हैं, भले ही उसमें वही घिसी पिटी बातें हो जो हर कोई यूट्यूबर बताता है, पर उसके उस वीडियो पे एक दिन में जो है 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आना कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत ग्रो करे और उसको भी जो है अच्छे खासे व्यूज़ मिले वीडियोस पे, तो आपको मनोज दे के ऊपर एक वीक में 2 या 3 वीडियो आप ज़रूर बनाइए और जितने हैशटैग है उनके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कीजिए, मनोज दे के ऊपर एक्सप्लेन कीजिए कि भाई उसका जो है अर्निंग इतनी होती है, उसकी फ़र्स्ट गर्लफ्रेंड, फर्स्ट कार, फर्स्ट ब्लॉग, जितने भी आप बताते हो मनोज दे के ऊपर वो सारे हैशटैग आपने जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हैशटैग यूज जरूर करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मनोज दे का जो है वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो मनोज दे के ऊपर रोस्ट करते हैं, उसके ऊपर बताते हैं और उन पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं और उस एक वीडियो के बदौलत आज जो है वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर लिए हुए हैं और उनके वीडियोस पे व्यू आना भी शुरू हो गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप मेरे को खुद देखोगे तो मैं कुछ दिनों से मनोज दे के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, हो सके तो 1 वीक में एक वीडियो ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी वो वीडियो जो है वायरल ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में सुनना पसंद करते हैं जो एकदम वायरल होता है, जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं। तो फ्रेंड, ये जो ट्रिक है ये अगर आप अप्लाई करते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, आप यकीन मानिए आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पे 101% जो है ग्रो ज़रूर होगा, एक ना एक वीडियो आपकी वायरल ज़रूर होगी। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है मैंने सही ट्रिक बताई, सही बात बोली, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बताइए कि भाई मैं सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ। एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको बताना था कैसे आप मनोज दे को जो है उसका हैशटैग टाइटल उसके बारे में वीडियो बना के आप अपने चैनल को ग्रो करा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।